हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप कि आप ठीक होगे। बेटा, आज हम क्लास फर्स्ट की स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स का, वीडियो नंबर हमारा 4। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम 4 वीडियो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 1.4 है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमें ये हमारी जो एक्सरसाइज होती है, उससे पहले हमें क्या दे रखे होते हैं, एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमें खुद से, मतलब कि खुद से सम करने के लिए दे रखे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन वाले सम करेंगे। ठीक है, 4 के टेबल के अकॉर्डिंग जो जो हमारे नंबर आते हैं वो करेंगे। ठीक है, ये 4 का टेबल देखो यहाँ पे दे रखा है आपको। 4 एड 1 टाइम्स क्या होता है, 4 एड 2 टाइम्स क्या होता है, मतलब कि सब डिटेल में दे रखा है, आप खुद पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, ऐड करने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या हमारा आंसर आएगा, और कितने टाइम्स में करने पे हमारा क्या आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो नीचे क्या दे रखा है, ऊपर तो टेबल दे रखा है, नीचे मल्टीप्लीकेशन फ्लिप्स दे रखे हैं आपको करने के लिए। 4 वन जा क्या होता है, 4, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 टू जा क्या दे रखा है, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, 4 फाइव जा 20, 4 सिक्स जा 24, 4 सेवन जा 28, 4 एट जा 32, 4 नाइन जा 36, 4 टेन जा 40। ये फ्लिप्स दे रखे हैं आपको खुद करने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, आइए हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स विथ करेक्ट नंबर्स। आपको करेक्ट नंबर्स लिखने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, मतलब जो आपको बॉक्सेस दे रखे हैं उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि सही आंसर आपको फिल करना है बॉक्स में। ठीक है स्टूडेंट, तो नीचे क्या फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है आपका, 9 4s दे रखा है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 36 आंसर आएगा। आप टेबल भी करके रीड करके देख सकते हो आपका 36 आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये रखा है आपका 2 पॉइंट जो दे रखा है, 3 4s ब्लैंक्स दे रखा है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 12 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट दे रखा है 3 पॉइंट पर जो दे रखा है, 4 times 4 इज ब्लैंक दे रखा है बॉक्स जो हमारा, 4 times 4 देखो, 4 यहाँ पे दे रखा है ना, 4 times में दे रखा है, 4 add 4 times दे रखा है, तो आपका कितना आंसर आया यहाँ पे, 16। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आएगा, 16 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको 1 2 3 3 करवा दिए हैं। ठीक है, चलो एक और मैं करवा देती हूँ, बाकी का जो एक आंसर रह जाएगा वो आप खुद करोगे। ठीक है, वैसे मैंने फिल कर रखा है, आपको खुद करना है। ओके स्टूडेंट, 4 times 10 इज डैश, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 40 आपका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने 1.4 के क्वेश्चन करे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाले कि ऐड करने पे भी हमारा वही आंसर आता है और मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा वही आंसर आता है। ओके स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन रह गया है 5, वो आप खुद करोगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ से बैक कॉल आएगी आपको अगर आपको कोई समझ में नहीं आता। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट।